बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि समर्पण कैसे करें, गुरु शिष्य में और प्यार कैसे बढ़ाए। जब शिव की बात आती है तो शिव के जीवन में कई कथाएं ऐसी हैं कि उनके तरह तरह के भक्त थे। वरना होता यह है कि प्रेम तो बाजू में रहा, अब तुम्हें पथ प्यारा हो गया। प्रेम तो कहीं पीछे हटा, अब तुम पथ के चक्कर में अटक गए। सवाल है कि गुरु शिष्य का नाता कैसा होता है, ये कैसे भी हो सकता है, इसका कोई पैटर्न नहीं है। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि समर्पण कैसे करें, गुरु शिष्य में और प्यार कैसे बढ़ाए। इशू ये है कि क्या सच में प्यार के लिए भीतर कोई बटन है, कोई प्रोसेस है कि तुम उसे बढ़ा सको? ना, जब सामने वाला इंसान तुम्हें अच्छा लगता है, उसकी चीज़ें अच्छी लगने लगती है, उसके द्वारा तुम्हारे भीतर कुछ बदल आने लगता है, तो अपने से तुम उस इंसान की ओर चल पड़ोगे और ऐसा सामने से भी होगा। तो गुरु शिष्य का नाता तो ऐसा है कि हर किसी के लिए अलग है। किसी को, और इसे हम भक्त के रूप में समझ सकते, कोई गा कर खुश है, कोई उसका नाम लेकर खुश है, कोई उसकी मंदिर में पूजा कर खुश है, कोई कुछ ना करते हुए उसकी यादों में ही खुश है, कोई उसकी किताब पढ़कर खुश है। तो हर किसी का अपना एक तौर तरीका है। तुम कोई तरीका मत मांगो, तुम ये मत कहो कि इसका एक आइडियल फॉर्मेट क्या है। अदरवाइज अगर उस आइडियल फॉर्मेट के लिए तुम बने नहीं हो तो तुम अटक गए। अब तुम्हें लगेगा कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा, मेरा प्रेम तो है लेकिन मैं उस तरह से नहीं कर रहा जिस तरह से बताया गया है, जिस तरह से किताबों में बताया गया है। बिल्कुल भी नहीं। बहुत से लोगों ने कई कथाएं दुनिया भर में सुनी होगी। जब शिव की बात आती है तो शिव के जीवन में कई कथाएं ऐसी हैं कि उनके तरह तरह के भक्त थे। ऐसा कहते हैं कि भूत गण ये तो उनके शिष्य है, ये उनकी सेना है, और वो प्रार्थनाओं को नहीं जानते, उनकी अपनी अपने तौर तरीके हैं। तुमने कई टीवी सीरियल्स में देखा होगा, कई कथाओं में सुना होगा, कई ऐसे भक्तों के बारे में तुमने सुना होगा जिनकी पद्धतियाँ शिव को पूजने की इतनी अलग थी कि सामान्य लोगों से पूरी तरह से जुदा थी। सामान्य लोग उसे घृणित अवस्था में देखते, उस भक्त को, जिस तरह से वो भक्ति कर रहा है शिव की, लेकिन उसकी भक्ति शिव तक पहुंची, इन सामान्यों की नहीं पहुंची। तो तुम कितना हृदय से उस चीज को करते हो ये डिपेंड करता है। तुम किस तरह से करते हो, कौन सा पथ चुनते हो, ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट नहीं है। वरना होता यह है कि प्रेम तो बाजू में रहा, अब तुम्हें पथ प्यारा हो गया। प्रेम तो कहीं पीछे हटा, अब तुम पथ के चक्कर में अटक गए। तुमने ये सोचा कि अगर इस पथ पे चलूंगा तो ही कुछ हो पाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं। तो किसी पथ पर मत चलना, अपने हृदय के प्रति सक्षम रहना कि तुम उसके प्रेम में हो, बात काफी है। जो भी तुम्हारा दिल करे, जो भी तुम्हारा प्रेम तुमसे कराए, अब वही इंपॉर्टेंट है, वही पर्याप्त।